यूं तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती है, जो कि 1 इंच से लेकर 10 फीट तक की साइज की भी हो सकती है। इन मछलियों को लोग भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आपको पता है कि कुछ मछलियां ऐसी भी होती है जिन्हें छूने भर से किसी इंसान की मौत तक हो सकती है? आपने कभी करंट मारने वाली मछली को देखा है? जी हाँ, ये बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन ये एक रियल फैक्ट है जो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अबाउट इलेक्ट्रिक फिश, दुनिया की सबसे खतरनाक इलेक्ट्रिक फिश को देखने से पहले आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फिश किसे कहते हैं। दरअसल मछलियों की विभिन्न प्रजातियों में से ऐसी कुछ प्रजातियां होती है जो नॉर्मल फिश से अलग होती है। अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने की वजह से इन्हें इलेक्ट्रिक फिश कहा जाता है। इस तरह की मछलियों को इलेक्ट्रोजेनिक भी कहा जाता है। ये ज्यादातर साउथ अमेरिका और अफ्रीका के सॉफ्ट वाटर रीजन्स और ओशंस में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ मछलियों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट करने की एबिलिटीज भी होती है, जिसकी वजह से इन्हें इलेक्ट्रोरिसेप्टिव भी कहा जाता है। दरअसल इस टाइप की मछलियों में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से ये इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज और रिसीव कर पाती है। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन डिस्चार्ज, ईओडी। जिस ऑर्गन की मदद से ये मछलियाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर पाती है, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहा जाता है, जो कि सभी इलेक्ट्रिक फिश में होता है। ये स्ट्रक्चर उनकी बॉडी से अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है, जो उनके मॉडिफाइड नर्व सेल या मसल से बना होता है। इन मछलियों में ज्यादातर ईओडी इनकी टेल्स में मौजूद होता है, जो कि खतरे के वक्त या अपने शिकार पर हमला करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब जरा इस बात पर भी गौर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फिश अपनी इस एबिलिटीज का इस्तेमाल किस काम के लिए करती है और इससे इन्हें क्या लाभ होता है, या अगर इनके पास ये एबिलिटीज नहीं होती तो क्या होता। ऐसे तमाम फैक्ट्स हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही में ये भी देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी मछलियां हैं जिनके पास ये स्पेशल कैपेबिलिटीज होती है। हंटिंग प्रे। दुनिया के सभी वाइल्ड क्रिएचर्स को भोजन के लिए खुद ही स्ट्रगल करना होता है, चाहे वो जंगल का शिकारी जानवर शेर हो या एनाकोंडा हो या क्रोकोडाइल हो। सभी शिकार के लिए कई तरह की हंटिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक फिश भी अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल शिकार के लिए करती है। सेल्फ डिफेंस। वाइल्ड एनिमल्स के लिए भोजन जितना जरूरी होता है, उतना ही उन्हें अपनी जान बचाने की भी जरूरत होती है। ऐसे में शिकारी जानवरों से बचने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल भी करना पड़ता है। ठीक वैसे ही फिश को भी पानी में दुश्मनों से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस की जरूरत होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फिश के लिए उनकी ये एबिलिटी काफी ज्यादा मदद करती है। अपने दुश्मनों को पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक देकर या उनकी प्रेजेंस का पता लगाकर ये अपनी जान बचा सकती है। इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन। इसके अलावा इन मछलियों में पाई जाने वाली एबिलिटी इन्हें कम्युनिकेट करने में भी मदद करती है। इलेक्ट्रिक फिश इसे एक दूसरे के साथ या अपने शिकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रो लोकेशन। साथ ही अपनी लोकेशन का पता लगाने के लिए भी इनकी एबिलिटी काफी हेल्पफुल होती है। इससे इन्हें अपने इलाके और आसपास की चीजों का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। इसकी मदद से इन्हें लोकेशन का पता चलता है, जिससे ये अपने एरिया को पहचान पाती है। यानी कि कुदरत ने हर किसी को किसी खास एबिलिटी के साथ इस प्लेनेट पर भेजा है, जिसे वे सभी अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन मछलियों को भी नेचर ने ऐसी एबिलिटी दी है जिससे ये अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाती है। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फिश की ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो खतरनाक होती है। इलेक्ट्रिक ईल। समुद्र में कई ऐसे डेंजरस क्रिएचर्स पाए जाते हैं जो इंसानों के अलावा दूसरे क्रिएचर्स के लिए भी जानलेवा होते हैं। हालांकि गहराई में छुपे इस रास को सभी जान नहीं पाते। इनमें से कुछ मछलियां भी होती है जो कि विशाल आकार की होने के साथ ही डेडली नेचर की होती है, यानी इनके सामने होना और मौत को दावत देना बराबर है। इनमें से ही एक है इलेक्ट्रिक ईल, जो कि मछली की ही एक प्रजाति है। ये इलेक्ट्रोफोरीज इलेक्ट्रिकस के नाम से भी जानी जाती है। ये जनरली अमेज़न के फ्रेश वाटर और साउथ अमेरिका के बेसिन एरियाज में पाई जाती है। अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 8 फीट तक लंबी होती है। इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली इस स्ट्रेंज क्रिएचर के पास 3 जोड़ी एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें मेन ऑर्गन, सॉक्स ऑर्गन और हंटर ऑर्गन कहा जाता है, जो
जो कि हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इनका इस्तेमाल ये प्रे हंटिंग के लिए करती है। इनके ये ऑर्गन्स नर्वस सिस्टम को सिग्नल ट्रांसमिट करती है, जिससे उनकी बॉडी में पाई जाने वाले इयॉन चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि सोडियम इयॉन फ्लो करते हैं, और यही इलेक्ट्रिक शॉक में बदल जाता है, जिससे किसी इंसान या जानवर की मौत भी हो सकती है। यानी मेरे ख्याल से इतना कुछ जानने के बाद इससे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर होगा। इलेक्ट्रिक कैटफिश। इलेक्ट्रिक फिश की लिस्ट में शामिल ये फिश मैलिबू ट्यूलैरिटी की फैमिली से बिलोंग करती है। ये जनरली अफ्रीका के ट्रॉपिकल रीजन और नाइल रिवर में पाई जाती है। ये कार्निवोर फिश है, यानी अपने भोजन के लिए शिकार पर डिपेंड रहती है, जहां इसे इसकी एबिलिटी काफी मदद करती है। अपने वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रोजेनिक ऑर्गन से ये अपने शिकार पर हमला करती है और दूसरी फिश, लार्वा और इनवर्टिब्रेट्स को शिकार बनाती है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये फिश 350 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। हालांकि डेंजरस होने के साथ साथ ये बड़े ही काम की क्रिएचर है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस इस प्रजाति की स्मॉलेस्ट फिश को आर्थराइटिस पेन के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। स्टेलेट स्टर्जन। इस प्रजाति की मछलियां सॉल्ट वाटर में पाई जाती है, लेकिन ब्रीडिंग के दौरान ये फ्रेश वाटर रिवर की ओर चली जाती है। इसे एंशिएंट स्पीशीज माना जाता है, जो कि फिशिंग के कारण अब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है। इलेक्ट्रो रिसेप्टिव एबिलिटीज वाली मछलियों की कुछ प्रजातियों में ये भी शामिल है। नदन स्टारगेजर। इस लिस्ट में अगला नाम नदन स्टारगेजर का है, जो कि डेडली इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग फिश है। इसे एस्ट्रोस्कोपस ग्यूटिडियस के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्टर शोर्स और न्यूयॉर्क और नॉर्थ कैरोलिना में पाई जाती है, जो कि पानी में काफी गहराई में रहती है। ये अपने आप को बालू के नीचे छिपा कर रखती है और अपने मुंह को बाहर की ओर रखती है, जिससे शिकार को आसानी से पकड़ सके। ये पानी के नीचे रहकर छोटी मछलियों का शिकार करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, जो कि दूसरी इलेक्ट्रिक फिश के मुकाबले काफी वीक होता है। ये लगभग 50 वोल्ट तक ही इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट कर सकती है, साथ ही इससे अपना सेल्फ डिफेंस भी करती है। ये दिखने में काफी स्ट्रेंज लगती है। इसके ब्राउन बॉडी पर व्हाइट स्पॉट्स पाए जाते हैं, जो कि इन्हें कोस्टल वाटर में कैमोफ्लाज करने में मदद करते हैं। ये अपने शिकार को काफी अनोखे तरह से कैच कर सकती है। यूं तो ये साइज में छोटी ही होती है, लेकिन कई बार 8 से 20 इंच तक लंबी होती है। यानी मीडियम साइज की ये फिश पॉइजनस और खतरनाक होती है, लेकिन इसे इंसानों से सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इलेक्ट्रिक रेस। फिश की प्रजाति में ये एक स्ट्रेंजेस्ट क्रिएचर है, जो कि आपको बिना टच किए ही स्टिंग कर सकती है। इस वियर्ड क्रिएचर को कार्टिलेजिनियस फिश भी कहते हैं, जो कि समुद्र की गहराई में लगभग 3000 फीट नीचे पाई जाती है। ये फिश लगभग 20 से 50 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, जो कि इसके लिए एक अनोखी सर्वाइवल टैक्टिक होती है। दरअसल इसके सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। ये प्रोसेस बड़ी ही अनोखी होती है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से बैटरीज के शेल काम करते हैं, ठीक वैसे ही इसकी बॉडी के सेल्स भी इलेक्ट्रोलाइट्स अरेंज कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन इलेक्ट्रिक रेस का इस्तेमाल पहले सर्जरी और चाइल्ड बर्थ पेन रिलीफ के लिए किया जाता था। वही रोमन लोग इसका इस्तेमाल हेडेक और आर्थराइटिस के लिए करते थे। पैसिफिक लैम्प्रे। पैसिफिक लैम्प्रे एक प्रिमिटिव क्रिएचर है, जिसका मुंह लगभग ईल की तरह होता है। ये भी सॉल्ट वाटर में ही रहती है, हालांकि ये ब्रीडिंग के टाइम पर माइग्रेट कर जाती है। इस स्पीशीज को एंशिएंट लिविंग वर्टिब्रेट माना जाता है, जिसके पास इलेक्ट्रो रिसेप्टिव सिस्टम होता है। ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश। अमेज़न बेसिन और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल वाटर एरियाज में पाई जाने वाली ये इलेक्ट्रिक फिश की एक प्रजाति है, जो कि साइज में लगभग 18 से 20 इंच तक लंबी होती है। हालांकि ये दूसरी इलेक्ट्रिक फिश की तुलना में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काफी वीक होती है, क्योंकि इनके पास सिंगल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। जनरली अपने शिकार इंसेक्ट और लार्वा को सर्च करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रिक सेंसिंग कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करती है। ये जानकर हैरानी होना लाजमी है कि आखिर ये फिश ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि ये फिश इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज करती है,
इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक रिसेप्टर्स का यूज करके ये अपने शिकार की लोकेशन का पता लगा पाती है। सैंडबार शार्क मछलियों की प्रजाति में ये एक अमेजिंग क्रिएचर है जिसके पास इलेक्ट्रो रिसेप्टर एबिलिटीज है। इस इनक्रेडिबल एबिलिटी के सहारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकती है। इतना ही नहीं, ये लगभग 3 फीट की दूरी से ही अपने शिकार की प्रेजेंस फील कर सकती है। दरअसल इसके हेड के आसपास हंड्रेड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड पोर्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से इनका सेंसर सिस्टम काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिलहाल हम लेते हैं विदा, जल्द हाजिर होंगे किसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप वाइल्ड ग्रेविटी देखते रहिए और शेयर करते रहिए।